हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो में आपको 15 mm थिकनेस में आज के डेट में जो स्लैब टाइल्स, जब भी आप कोई भी बड़े शोरूम पर जाएंगे या तो इवन छोटे शोरूम में भी जाएंगे, आपको आपको ऐसा या तो आपको बड़े स्लैब में, जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, 8 फीट बाई 2.5 फुट में या तो 10 फीट बाई आपको 2.5 फुट में स्लैब जैसे आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप में आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आपको ऐसे छोटे पीसेस में आपको काफी अलग अलग कलर में, काफी अलग अलग सरफेस फिनिशेस में जो है दुकानदार आपको 15 mm के टाइलों को आपको दिखाकर उसको ग्रेनाइट के रिप्लेसमेंट के लिए वो लोग जनरली क्या प्रमोट करते हैं। कंपनी भी 15 mm का थिकनेस बनाने का पर्पज ही था कि जहां जहां पर ग्रेनाइट यूज होता है उसके रिप्लेसमेंट में ये टाइलों को बनाया हुआ है। जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो जनरली इसको आर्टिफिशियल स्टोन को ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल ग्राइंड भी बोला जाता है, या तो लोग स्लैब टाइल बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली अगर मैं बताऊंगा तो इसको सिंटर स्टोन टाइल बोला जाता है, जो एक्चुअल में ग्रेनाइट के रिप्लेसमेंट में कंपनी जो इस टाइलों को बनाया हुआ है। अगर हम लोग ग्रेनाइट के रिप्लेसमेंट में जैसे मैं बता रहा था बनाया हुआ है, तो अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे ग्रेनाइट के साथ इन टाइलों का, आपको क्या क्या एडवांटेजेस रहेगा, क्या क्या आपको लिमिटेशंस रहेगा। एंड अगेन 15 mm के जो भी मैं स्लैब्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको उसमें किस टाइप के सरफेस फिनिशेस में आपको स्लैब्स मिलेगा, किस टाइप के टाइल के बॉडी में, यहाँ पर मैं आपको एक बात ऐड करता हूँ, जब भी आप मार्केट में जाएंगे ये टाइल कोई भी दिखाएगा तो आपको हमेशा आपको फुल बॉडी टाइल बोलेगा, लेकिन हर एक स्लैब जो मार्केट में मिलेगा वो फुल बॉडी होता नहीं। उसमें मैं आपको दो तरीके का, आपको फुल बॉडी प्लस आपको एक कलर बॉडी कर आपको टाइल मार्केट में मिलता है। फुल बॉडी कहाँ पर लगाना है, कलर बॉडी का एडवांटेज क्या है, उसको कहाँ पर लगाना है, मैं डिटेल में आपको आगे आगे बताऊंगा। जैसे आपको बता रहा था क्या सरफेस फिनिशेस में मिलेगा, कहाँ पर कौन से कैटेगरी के स्लैब को लगाना पड़ेगा, टेंटेटिवली प्राइसिंग क्या जाएगा, क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है, टेक्निकली आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस बनाऊँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। देखिए, पहला तो आपको कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको 15 mm का जो स्लैब है इसका जो थिकनेस है, आपको अभी आज के डेट में अलग अलग थिकनेस में मिलेगा नहीं, आपको 15 mm के थिकनेस में ही आपको ये जो टाइल आपको मिलेगा। सेकेंड, अगर मैं इसकी साइजेस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको 2.5 फुट बाई 8 फुट में, 2.5 फुट बाई 10 फुट में आपको ये जो टाइल आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मैं एक एक पैरामीटर्स के साथ में ग्राइंड के साथ कंपैरिजन में करना अभी शुरू करूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको थिकनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 15 mm थिकनेस में ही अभी आपको ये जो स्लैब से मिलेगा। थिकनेस की अगर मैं ग्रेनाइट की बात करूंगा तो आपको ग्रेनाइट में क्या होता है, एक तो आपको 15 mm थिकनेस में भी मिलेगा, आपको 18 mm 18 mm के थिकनेस में मिलेगा। अब जनरली लोगों का एक परसेप्शन क्या होता है कि अगर ग्राइंड का तो 18 mm थिकनेस में मिलेगा, ये स्लैब की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 mm में ही मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है कि जिसका ज्यादा थिकनेस ज्यादा रहेगा, जितना जाड़ा रहेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो हम लोग इसको क्यों लगाए, इसका सही में उतना स्ट्रेंथ होता है कि नहीं करके। देखिए, अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं बात करूंगा, ग्रेनाइट भले आपको 15 mm मिले, 18 mm मिले, तो 20 mm मिले, ग्रेनाइट का कोई भी जो रिटेलर शॉप वाला हो, कोई भी दुकानदार, उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकता है, वो लिखकर नहीं देगा कि आपको इसमें इतना स्ट्रेंथ रहेगा ही रहेगा करके, क्योंकि वो नेचुरली मिलने वाला चीज है। ऑब्वियस बात है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम रहता है, तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई रहता है उसमें, नो डाउट। लेकिन जब भी कोई भी कंपनियां किसी भी एक प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट्स को बनाता है, उसमें वो लोग पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं पहले। अगर 18 mm के थिकनेस में क्या स्ट्रेंथ मिल रहा है, तो हमें उसको स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए कितना mm का थिकनेस मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या मटेरियल को यूज करना पड़ेगा, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वहां पर टाइलों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा स्ट्रेंथ वाइज, तो ऐसा नहीं कि आपको 18 mm रहेगा तो बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ रहेगा, 15 mm रहेगा तो आपको स्ट्रेंथ कम रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैं बता रहा था, रिप्लेसमेंट पर जब भी किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है तो वो हमेशा कोशिश रहता है कि जो खामियां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में है उसको ओवरकम करके और भी एक बेटर प्रोडक्ट को हमेशा कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर बनाया जाता है। तो कंपेरेटिवली अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज बात करूंगा तो अनडाउटफुली
स्ट्रेंथ वाइज आपको वन ऑफ द बेस्ट आपको प्रोडक्ट रहेगा 15 mm स्लैब का। सेकेंड, जैसे आपको मैं बता रहा था आपको साइजेस के बारे में, स्टैंडर्ड आपको साइज में आएगा आपको स्लैब का 2.5 फुट में, 10 फुट में, 2.5 फुट में, 8 फुट में। अभी मैं अगेन कंपैरिजन करूंगा ग्राइंड के साथ, तो आपको ग्राइंड का डिफाइन आपको एक स्पेसिफिक साइज आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपको और एक मैं बात ऐड करूंगा, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जब भी आप ग्रेनाइट का अगर आप समझिए 2,000-3,000 स्क्वायर फीट का अगर आप ऑर्डर देते हो, आपको क्या करेगा ग्रेनाइट का जो भी दुकानदार रहेगा, आपको एक ही साइज का पूरा मटेरियल आपको लोड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा उसमें। वो क्या करेंगे, पहले तो आपको 2.5 फुट बाई 10 फुट का बड़ा स्लैब होगा तो वो 2-3 स्लैब डालेंगे, 2.5 फुट बाई 8 फुट का रहेगा तो उसका एक 2-3 स्लैब डाल देंगे, 2.5 फुट बाई 6 फुट का रहेगा तो उसका 2-3 स्लैब डाल देंगे। आपको जो क्वांटिटी रहेगा उसमें अलग अलग साइजेस का आपको स्लैब्स वो लोग डालेंगे, तभी उसमें उनको थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे हर एक बड़ा साइज का ही दे दो, तो आपको उसमें बिल्कुल जो है वो नहीं देंगे। अब क्या होगा कि देखिए, आपको किचन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनरली आपको 2.5 बाई 8 का रहता है, तो उसी हिसाब से कंपनी भी 2.5 बाई 8 का बनाए। अगर वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो भी कटिंग सेक्शन ना आ जाए, इसके लिए 10 10 फुट का भी आश्रय में 15 mm स्लैब में मिल जाएगा। अगर मैं साइजेस को अगर मैं कंपेरिजन करूंगा तो आपको वेस्टेज बहुत ज्यादा कम जाएगा। अभी से फॉर एग्जाम्पल आप समझ चलिए, अगर आपका जनरली आपका जो बाथरूम का डोर होता है वो 7 फीट तक आपका डोर रहता है, एंड अगेन आपका जो मेन दरवाजा रहेगा वो 9-10 फुट तक आपका रहता है। आपको यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका 7 फुट का है तो आप 8 फुट का जो स्लैब है आप उसको यूज कर सकते हो। जहां पर आपको 10 फुट का स्लैब है वहां पर बिना आपको कटिंग का इजीली आप यूज कर सकते हो। अगर आपका बड़े बड़े विंडोज भी अगर है 4x4 का है तो भी आपको वेस्टेज कम जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज की अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे, आपको अनडाउटफुली स्लैब में क्या होता है कि आपको वेस्टेज बहुत ज्यादा कम जाएगा। थर्ड, आपको मैं अगर कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको ग्रेनाइट में क्या होता है, ग्रेनाइट में हमेशा आपको काइंड ऑफ स्पार्कलिटी रहता है उसके अंदर, थोड़ा सा आपको कोई भी अगर आप स्टील ग्रे आप देख लीजिए, टैन ब्राउन आप देख लीजिए, कोई भी किसी भी तरीके का अगर आप ग्रेनाइट देखोगे तो आपको उसमें प्लेन कलर आपको मिलेगा नहीं। अगर मैं कंपेरिजन में अगर स्लैब्स की बात करूंगा तो आपको जो ग्रेनाइट में जो कलर ऑप्शन मिलेगा, जब इन्होंने कंपेरिजन में बना रहे तो ऑब्वियस बात है कि जो जो भी डिजाइन आपको ग्रेनाइट में मिलेगा सेम डिजाइन कॉपी कर कर एक तो आपको टाइल में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेन चीज, आपको अगर आपका एक थीम, आप थीम सोचकर अगर आप बना रहे, जैसे अगर आपने सोचा कि नहीं मेरा पूरा फ्रेमिंग जो रहेगा वो फ्रेमिंग प्लस मेरा जो भी किचन प्लेटफॉर्म रहेगा सभी मुझे से फॉर एग्जाम्पल को ग्रीन कलर में रखना है, या तो ब्राउन कलर में रखना है, व्हाइट कलर में रखना है, ब्लैक कलर में रखना है, तो आपको जो प्लेन कलर में आपको कहीं पर भी आपको गिने चुने, जैसे आपको एक ब्लैक कलर में, जैसलमेर कलर में, एक आध कलर में आपको व्हाइट कलर में, नैनो व्हाइट कलर कर आपको मिलेगा, दो दो से तीन आपको कलर ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रेनाइट में। वही अगर मैं टाइल का, मैं जैसे मैं आपको बता रहा था 15 mm स्लैब की, जैसे आप देख सकते हो आपको ग्रीन में मिलेगा, आपको ब्राउन में, आपको ब्लैक कलर में, ब्लैक भी देखेंगे तो आपको देखिए आपको बहुत ही एकदम आपको हाई ग्लॉस के ब्लैक में, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको, आप मेरा मिरर इमेज भी आप देख सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ आपको पूरा मिरर इमेज में आपको जो स्लैब्स है ना आपको, क्योंकि देखिए नया टेक्नोलॉजी को यूज कर बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स भी बहुत बेहतर ही बनाएंगे। अगर आपको कुछ ग्रे कलर का ऑप्शन से आपको, देखिए कलर की मैं बात करूंगा तो आपको प्लेन कलर में आपको एटलीस्ट आपको 25-30 कलर्स ऑप्शंस में आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही कंफर्टेबली आपको जो है डिजाइन ऑप्शन आपको मिलेगा। थर्ड, आपको अगेन यहाँ पर एक और एक डिजाइन की बात करूंगा तो आपको जो आपको इटालियन मार्बल पैटर्न्स में जो आपको स्लैब मिलेगा, जो मार्बल की मैं बात कर रहा हूँ, जो इटालियन मार्बल में जो आपको जो प्रिंट्स मिलेगा, जो फिनिशर्स मिलेगा, सेम प्रिंट के आपको स्लैब में मिलेगा। जो जैसे आपको अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको एक बहुत बेहतरीन अगर आपको लुक लाना है, आपको एक एक होता ना एक वाव लुक लाना है आपको, तो जो चीजें आपको जो ग्रैंड में नहीं मिलेगा वो सभी ऑप्शन, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बहुत सारे आपको डिजाइन ऑप्शन में, आपको एन नंबर ऑफ डिजाइन में, आपको ग्लॉसी फिनिश में, मैट फिनिश में, आपको लेदर फिनिश में, बहुत सारे अलग अलग फिनिशर्स में आपको जो स्लैब से आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको चैम्फर हो गया क्या,
जैसे अभी हम लोग अगर ग्रेनाइट को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे, तो जब भी हम लोग उसको कट कर उसको पॉलिशिंग कर चम्फरिंग करेंगे, तो जो सरफेस पर कलर है सेम मिलेगा क्या? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पर। मैं आपको स्लैब में आपको दो कैटेगरी में आपको मिलेगा। एक तो आपको जैसे मैं बता रहा था, सरफेस के ऊपर आपको अगर इटालियन मार्बल पैटर्न का अगर आपको डिजाइन ऑप्शन रहेगा, तो आपको इसको जीवीटी बॉडी बोला जाता है। जैसे हम लोगों का 2x4 में जो भी आपको डिजाइन मिलता है सरफेस के ऊपर, वो प्रिंट मिलेगा, बैक साइड में आपको नहीं मिलता, मतलब वो फुल बॉडी रहता नहीं है, वहां पर आपको एक लिमिटेशन आ जाएगा। देखिए, जितना भी मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे लिमिटेशंस की बात करेंगे, तो आपको देखिए सरफेस के ऊपर तो आपको पूरा प्रिंट मिलेगा, लेकिन एडजस्ट पर अगर हम लोग पीजीवीटी के टाइलों को अगर हम लोग ले लेंगे, तो आपको एडजस्ट पर आपको सेम कलर आपको दिखेगा नहीं। सेम कलर दिखने के लिए आपको, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको एक फुल बॉडी कर आएगा। बहुत सारे वीडियोस में मैंने फुल बॉडी का मैंने काफी वीडियोस बनाया हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, जो सरफेस के ऊपर दिखेगा आपको एडजस्ट पर वही रहेगा, थ्रूआउट द बॉडी आपको एक ही कलर मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा, आपको एक होता है ना, आपको ग्रेनाइट लगाना बहुत इजी है, ये अभी तो नया चीज़ है, तो इसको लगाना इजी होगा क्या नहीं होगा, काफी लोगों का एक माइंड में रहता है। देखिए, जो वर्कर आपको ग्रेनाइट लगाकर जो देगा, वही वर्कर से आप इसको लगा सकते हो, काम इनसे इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। किसी भी तरीके का अलग सा आपको ना ही एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, उसमें अलग सा ब्लेड लगेगा चम्फरिंग करने के लिए, अलग से उसमें कुछ हाई क्वालिटी के ब्लेड्स ग्राइंडर्स लगेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो मेथड आपको एग्जैक्टली कटिंग में, आपको मोल्डिंग में, आपको चाम्फरिंग में, जो आप ब्लेड्स यूज करते हैं, जो प्रोसेस आप यूज करते हो, सेम एग्जैक्टली मेथड में, जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल उसी फिनिशिंग में आप सेम एग्जैक्टली एज सेम एज ग्रेनाइट को जैसे करते हैं, उसी टाइप में आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा आपको कोई स्किल लेबर की जरूरत नहीं है। आप इजीली कट करके, पॉलिश करके, ग्राइंड करके, चम्फरिंग करके आप इजीली आप लगा सकते हो। अभी यहाँ पर जैसे आपको मैं इनिशियली बता रहा था, जब भी आप कोई भी दुकान में जाएंगे, तो आपको लोग बताएंगे कि फुल बॉडी करके। इसमें आपको जो 15 mm की स्लैब की बता रहा था, अभी तो मैं आपको पीजीवीटी का बता दिया। अभी आपको इसमें कैसा होता है कि जैसे इनिशियली बताया मैंने आपको, एक तो फुल बॉडी कर आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक फुल बॉडी आएगा, अभी आपको एक कलर बॉडी कर आएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को लगाना कहाँ पर सुटेबल रहेगा? देखिए, क्या होता है कि जब भी कंपनी अलग अलग कैटेगरी के टाइलों को लोग बनाता है, तो हर एक टाइल का एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एप्लीकेशन होता है। जहां पर अगर हम लोग हैवी, अगर से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलर बॉडी एक जगह पर लगाना है, तो वहां पर हम लोग फुल बॉडी नहीं लगा सकते। जहां पर फुल बॉडी लगाना है, वहां पर कलर बॉडी लगाएंगे, तो उसका भी कुछ लिमिटेशन है, वहां पर प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। देखिए, जैसे आपको मैं बता रहा था, फुल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट रहता है, वो हमेशा आपको एक तो आपको जो फ्रेमिंग रहेगा आप वहां पर लगा सकते हो, स्टेप्स एंड रेजर से आप वहां पर लगा सकते हो, किचन प्लेटफॉर्म में आप वहां पर लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं वही आपको कलर बॉडी की बात करूंगा, जैसे आप देख सकते हो सरफेस में आपको पूरा मेरा मिरर इमेज आपको दिखेगा, साइड में अगर आप देखोगे तो इमिडिएटली आपको कलर ही आपको अलग दिखेगा, जिसको आपको कलर बॉडी बोला जाता है। इस टाइप की अगर अगेन आपको आप भले आप फ्रेमिंग में लगाना है, बिल्कुल लगाइए। अगेन, इसका लिमिटेशन क्या होगा, सरफेस पर आपको इतना एकदम आपको ग्लॉसीनेस दिखेगा, चमक दिखेगा, लेकिन एडजस्ट पर अगर देखोगे तो आपको डलनेस दिखेगा। एंड अगेन, इस टाइप का अगर आप कलर बॉडी के सरफेसेस को अगर आप किचन प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे, तो आपको बहुत इजीली आपको सरफेस के ऊपर आपका स्क्रैचेस आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर हम लोग कलर ऑप्शन देखेंगे तो बहुत एक बेहतरीन विकल्प है। अगर साइजेस देखेंगे तो आपको जो वेस्टेज है वो भी कम आ रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, कलर ऑप्शंस में देखेंगे तो और भी बढ़िया है। लेकिन जैसे आपको मैं बता रहा था, हर एक चीज का कुछ एडवांटेजेस है, तो हर एक चीज का कुछ लिमिटेशंस भी होता है। अगर मैं खास कर अगर आपको किचन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूंगा, जहां पर बहुत ज्यादा रफली काम होता है, आप समझे कि जनरली क्या होता है कि हमारे किचन में किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम लोग उसको चॉप करेंगे, या तो चाय बनाते समय हम लोग जो अदरक है उसको ऊपर ही कूट कर हम लोग उसमें डाल देंगे, तो क्या होता है कि अगर आपका
रफ वाला, अगर आपको रफ में अगर आप ज्यादा यूज होता है आपका किचन प्लेटफॉर्म, तो वहां पर आप बिल्कुल, आप ना ही कलर बॉडी ना ही फुल बॉडी ग्लॉसी में बिल्कुल आप मत लगाइए। 100% ओवर द पीरियड टाइम आपको स्क्रैचेस मिलेगा ही मिलेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको, देखिए क्या होता है कि आपका एक होता है ना, अगर आप एक मेंटेन कर सकते हैं जहां पर आपको सिर्फ वहां पर एक खाना बनाने के लिए अलग सा किचन है, आपको हर चीज आप वहां पर मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको वॉश करने का एक अलग सा एक सेक्शन है जहां पर एक पूरा एक मेंटेन है, जहां पर एक वॉल लुक चाहिए, कॉर्पोरेट लुक चाहिए, तो वहां पर ये सब चीजों को आप लगा सकते हो। अगर आपको एक ड्यूरेबल, अगर मैं आपको किचन प्लेटफॉर्म की बात करूंगा, तो अगेन ग्राइनेट जो रहेगा ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन मैं बता सकता हूँ रफ एंड टफ यूज के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे मैं बता रहा था ग्रेनाइट में तो आपको कलर ऑप्शन मिलेगा नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कलर में कुछ जाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें आपको जैसे मैं बता रहा था फ्रेंड्स, आपको जो भी कलर आप लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रीन कलर में लेंगे, तो आपको जैसे अभी वापस आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो भी कलर आप चूज करेंगे उसमें आपको ग्लॉसी फिनिश भी मिलेगा, आपको मैट फिनिश भी मिलेगा। अगर आपको किचन में रफ एंड टफ भी यूज करना है, तो आप ग्लॉसी हो गया या तो पीजीबीटी में जो ऑप्शन मिलेगा, कलर बॉडी में मिलेगा, वो चीजों को आप अवॉइड कर दीजिए। आप सिंपली मैट फिनिश के जो टाइल्स आपको अवेलेबल है उसको आप यूज करिए। सरफेस काफी हार्ड रहता है कंपेरेटिवली, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रैंड के साथ, तो ग्रैनाइट का जो सरफेस स्क्रैच रेजिस्टेंस रहता है उसी स्क्रैच रेजिस्टेंस में आपको मिलेगा, जहां पर रफ एंड टफ के लिए आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। बिल्कुल आप अवॉइड करिए ग्लॉसी फिनिश टाइलों को। सरफेस क्या होता है कि काफी लोगों को दिखने में एक वाव लुक आएगा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के साथ भी अगर आप देखोगे तो आपको ड्यूरेबल भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने इतना खर्चा कर कर एक वाव लुक, जैसे कि एकदम बढ़िया सा आपने किचन बनाकर रखा है, 15 दिन में 20 दिन में स्क्रैचेस दिखेगा, वो फिर आपको निकालेंगे लगाएंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है। उसको पूरा तोड़ेंगे निकालेंगे, आपका वापस आपको कट करेंगे, जो भी इसमें क्या होता है कि अननेसेसरली बहुत ज्यादा एक्सपेंस आपका इन्वॉल्व रहेगा। तो आप कोशिश करिए, अगर मेंटेन कर सकते हो तो आप ग्लॉसी फिनिशर्स में, कलर बॉडी में, पीजीडी में जाइए। अगर नहीं कर सकते हो सिंपली आप ग्रेट ले लीजिए, या तो आपको फुल बॉडी जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, काफी बहुत सारे कलर ऑप्शंस में, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ग्रे कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, आपको ब्राउन कलर में, जो भी कलर चाहिए आपको बहुत ही अच्छे कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। अगेन इसको जो है, अगर आपको स्टेप्स एंड रेजर्स में लगाना है, तो आप ग्लॉसी फिनिश के टाइलों को, ऑब्वियस बात है कि अगर आपका स्टेप्स वगैरह बाहर की तरफ है, तो आप बिल्कुल ये टाइलों को मत लगे, वहां पर अगेन ग्रेनाइट को यूज करिए। हैवी फुटफॉल का अगर आपका स्टेप्स रहेगा, तो ग्लॉसी जो भी रहेगा आप उसको अवॉइड करिए। वहां पर कंपलसरी, जैसे आपको मैं बता रहा था, मैट फिनिश में ही आप उसको प्रिफर करिए, नहीं तो अगेन उसमें स्क्रैचेस पड़ने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। हाँ, अगर आपके घर में आपने डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, जहां पर आप एक मेंटेन कर सकते हो घर के अंदर, ये आपको लगाना है, बिल्कुल ग्लॉसी लगाए, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ग्लॉसी में एक तो स्क्रैचेस भी पड़ेगा, अगेन पानी वगैरह पड़ा रहेगा तो स्किड होने का चांसेस भी रहता है, तो आप उस चीजों को अवॉइड करिए। प्राइसिंग, अगर हम लोग अभी मेनली क्या क्या प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो कुछ कुछ आइटम्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा। अगेन मैं कुछ आइटम्स को कंसिडर कर कर, मैं कैटेगरी के टाइलों को कंसिडर कर कर आपको बताऊंगा, तो प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अभी आपको स्टील ग्रे आपको जो मिलेगा, आपको जनरली क्या होता है कि एक प्योर स्टील ग्रे, स्टील ग्रे मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एक एक 80-90 रुपए के आसपास आपको स्टील ग्रे कर कर मिलेगा। अगर आपको वही देखिए प्लेन ग्रे में आपको चाहिए, तो कम से कम आपको 30-40 रुपीज आपका प्लस हो जाएगा। अभी इसमें तो आपको प्लस होगा, लेकिन अभी मैं आपको जो टेलीफोन ब्लैक कर कर आपको मिलेगा मार्केट में, अगर मैं उसकी ब्लैकनेस और मैं इसका जो नेचुरल जो आर्टिफिशियल हमारा जो टाइल 15 mm का, अगर मैं उसके साथ कलर का भी, अगर आपको सरफेस फिनिश का अगर आपको मैं पूरा प्योरली कंपेयर करेंगे, तो 250, 280, 300 तक जो आपको ब्लैक रेड मिलेगा, वही आपको बहुत कंफर्टेबली आपको 180, 190, 200 रुपये में आपको आसानी से, उससे भी एक अच्छा शाइनिंग में आपको इजीली मिल जाएगा। प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी के देखेंगे तो आपको प्राइजेस जो है ना काफी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको प्राइजेस जो है ना रेंज होता है। मैं फिर भी आपको एक टेंटेटिव बताऊंगा, तो आपको आज के डेट में मार्केट में
130 रुपीज से लेकर आपको कलर वाइज आपको अलग अलग होगा। जो भी प्लेन कलर में अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको 130 से लेकर आपको 150 के रेंज में आपको पर स्क्वायर फीट में मिलेगा। वही अगर आपको, ये मैं 2.5 फीट पे 8 फीट की मैं बता रहा हूँ, वही अगर आप 2.5 फीट पे 10 फीट में अगर आप बड़े स्लैब्स में अगर आप जाते हो और पीजीवीटी में अगर आप जाते हो तो आपको 180 रुपये से लेकर आपको मैक्सिमम से लेकर आपको 220 रुपये तक आपको रिटेल में आपको मिलेगा। अगर आपका 200 स्लैब है, 150 स्लैब है, 100 स्लैब भी रहेगा ना, आप मॉर्बी से आप बिल्कुल आप परचेस कर सकते हो। क्योंकि स्लैब में क्या होता है ना, मॉर्बी से अगर परचेस करोगे तो आपको स्लैब में बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी में देने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट एक 100 बॉक्सेस हो गया, 100 पीसेस हो गया, 150, 200, 300 भी देंगे तो आपको बहुत ही जो रिटेल प्राइसेस में आपको मिलेगा उससे आपको कम से कम आपको 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में आपको गैप मिलेगा। अगर आपका किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट है आप मुझे कनेक्ट करिए। क्या होता है फ्रेंड्स, वीडियोस में काफ़ी कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए सोचता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ों को माइंड से स्किप हो जाता है। अगर आपको कुछ भी आपको लगा कि इसमें कुछ मिस हुआ है, आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ बिल्कुल देने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करिए। मेरा पेड कंसल्टेंसी सर्विस है फ्रेंड्स, आपको कुछ भी जरूरत है तो मेरा कंसल्टेंसी लेकर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।